अम्ब्रेला कट कुर्ती है, इसे मैं प्लेन कपड़े से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब मैं इस पर एक साइड में एक रोज़ का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और उस डिज़ाइन को मैं फैब्रिक कलर से बनाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड फैब्रिक कलर जो होता है वो स्पेशली कपड़े के लिए ही होता है। मैंने इसके लिए ये डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखिएगा ये रोज़ का डिज़ाइन है, इसमें कुछ लीव्स हैं, ये दो फ्लावर और अलग से मैंने बनाए हैं, ये दो फ्लावर्स इसमें हैं। ये मैं नेक की साइड में सूट की मैं ये करूँगी, ये कार्बन पेपर की हेल्प से मैं इसे इस पर छाप लूँगी। फ्रेंड इसके लिए मैंने एक रिंग लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसमें इसे लगा के कलर कर पाऊँगी ब्रश से अच्छे से। और फ्रेंड ये मैंने कलर लिए हैं, ये ब्लैक कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये येलो कलर है, और ये ब्लू और ये ग्रीन और ये रेड और ये वाइट कलर है। इनकी हेल्प से मैं इसमें कलर से ये जो है फूल बनाऊँगी। देखिए मैं पहले इसमें बस साइड में ही फूल बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने इसे अच्छे से नेक के पास इसे मैंने रख लिया है इस तरह से। मैं डिज़ाइन में इस तरह बनाऊंगी, सबसे पहले मैंने कार्बन पेपर रखा है, उसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन जो लिया था वो डिज़ाइन रखा है। फ्रेंड मैं इसे इस पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से इस पूरे डिज़ाइन पे जो है एक एक बार आउटलाइनिंग कर दूंगी। आउटलाइनिंग करने से ये सारा जो है डिज़ाइन बिल्कुल मेरे सूट पे छप जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं अभी आपको ये सारा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमने इसे इस पे कार्बन पेपर की हेल्प से ये जो है ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए अभी हमारा जो फूल है वो इस तरह से साइड में आया है। अगर ये थोड़ा कम चमक रहा है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप इसे किसी अदर पेन की यूज़ से थोड़ा और हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन जितना कम आप इसमें कलर यूज़ करोगे नीला थोड़ा मतलब हाईलाइट करने के लिए, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कलर फिल जो है, कलर हम जब इसमें कलर करने लगेंगे तो ये हमें चमकेगा, जितना भी कम आप कलर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसमें कलर करने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए